तो फ्रेंड्स, आज आप बाजू कटिंग करने का मेथड समझ लीजिए, किस तरह से सूट या ब्लाउज की बाजू कट की जाती है। तो देखिए, एल्बो बाजू है, यानी कोहनी तक की जो बाजू आजकल ट्रेंड में है, और ये ब्लाउज है। इस ब्लाउज का ये लाइनिंग है। तो कैसे कट करना है, देखिए 10 इंच बाजू है, 10.5 मोरी है, 16.5 आर्म होल है। तो ये 3 नाप बाजू के लिए। सबसे पहले देखिए, हमने आगे आधा इंच, क्योंकि इसमें आधा इंच का मार्जिन है, तो आधा इंच रखेंगे। या अगर आपको ज़्यादा रखना है तो यहाँ पे ज़्यादा रख सकते हैं, यानी 1.25 इंच अगर तुरपन के लिए छोड़ना है। लेकिन इसमें आधा इंच का मार्जिन है ब्लाउज में, तो हमने यहाँ पे आधा इंच मार्जिन रखना है, क्योंकि पलटने वाला बनेगा, पहले सिलाई और फिर ये आधा इंच ऐसे पलटा जाएगा। तो 10 इंच बाजू की लंबाई है, तो आगे हमने आधा इंच छोड़ते हुए साढ़े 10 पे निशान लगाना है, आधा इंच यहाँ पे चला जाएगा। तो ये निशान मैंने देखिए लगा लिया है बिल्कुल सीधा, यहाँ पे मोहरी का 10.5 यानी 5.25। और देखिए, हमने यहाँ पे 3.5 इंच या 3.25 पे हमने निशान देना है एक। और आर्म होल कैसे नापना है, तो जैसे 16.5 आपने कस्टमर का नाप लिया है आर्म होल का, तो उसका 1/2 8 इंच, 16.5 आर्म होल है तो 8.25 यहाँ से रखेंगे। और ये यहाँ से सीधा निशान लगाएंगे। इस तरह से। और देखिए, यहाँ से लगभग 1/2 इंच से नीचे ऐसे हमने ये गोलाई डालनी है ऐसे, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से डाल देते हैं, तो यहाँ चोंच सी निकल जाती है, और जो अंदर का गैप है वो लगभग इतना, इतने डिस्टेंस से इसको रखना है, यानी 1/2 इंच एक सूत, और फिर इसको ऐसे। तो ये देखिए, ये कुछ बाजू कटिंग करने का मेथड होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ तक कटिंग करना है, उसके बाद बाहर वाली साइड। अब ये जो गारंटी दी जाती है, आगे की साइड दी जाती है, क्योंकि हमारे जो हैंड होते हैं आगे की तरफ को पुश करते हैं, तो पीछे हमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है, तो इसलिए लगभग जितनी भी ड्रेसें बनती हैं सब में बैक का ये बढ़वा रखा जाता है, और अंदर ये ड्रेस में भी और बाजू में भी ये गहराई दी जाती है। सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा कुटका लगाना होता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना। यहाँ से लगभग 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए देखिए ऐसे कटिंग करनी है, और इसको यहाँ से बराबर कर लेते हैं देखिए, और यहाँ पे भी हम छोटा सा एक कुटका लगा लेते हैं, ये सेंटर का बीच का। अब हमने यहाँ से देखिए 2 पल्ले उठाने हैं इस तरह से, और इस निशान पे हमने देखिए कटिंग कर देनी है। कुछ इस तरह से। तो ये सबसे सही तरीका है स्लीव्स कटिंग करने का, ठीक है। तो ये तो लाइनिंग है, उसके बाद देखिए जिस तरफ से भी आपने ब्लाउज में ये इसको लेना है, यहां से ले सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तरीका होता है बाजू कट करने का। इस तरह से ही आप ड्रेस में
इस तरह से आप सूट या ब्लाउज में कटिंग कर सकते हैं। जो मेथड मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ही वैसे ही आप कटिंग करें। लंबाई आर्म होल के हिसाब से, मोरी के हिसाब से मेथड यही रहने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार दोस्तों।